अपराध की घटना को पारित करने वाले अपराधियों से ज्यादा लंबे पुलिस के हाथ होते हैं। ये बात आज अमेठी पुलिस ने सिद्ध कर दिखाया है, जिसमें पिछले 5 अक्टूबर को यूको बैंक के मैनेजर एवं कैशियर से हुई 26 लाख की लूट के 7 आरोपियों में से 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। इन तीनों अपराधियों के पास से 3.5 लाख रुपए रिकवरी भी हुई है। ये गिरफ्तारी पीपरपुर थाना क्षेत्र से अमेठी पुलिस क्राइम ब्रांच तथा एसओजी टीम के संयुक्त ऑपरेशन से ये सफलता प्राप्त हुई है। इस लूट कांड का मुख्य आरोपी साजन शुक्ला उर्फ सत्य प्रकाश शुक्ला की सुल्तानपुर जिला अस्पताल में मौत हो चुकी है, जिसकी मौत के बाद सुल्तानपुर अमेठी तथा प्रतापगढ़ में काफी बवाल हुआ। 5 अक्टूबर को पीपरपुर क्षेत्र से एक बैंक मैनेजर है, वो अपनी व्यक्तिगत गाड़ी से जा रहे थे। 26 लाख रुपए की लूट हो गई थी, जिसमें 3 लोग एक वाइट अपाचे से आए थे और फायर किया और उन लोगों से 26 लाख रुपए उस बैग से लूट कर वो लोग चले गए थे। उसी घटना का खुलासा आज किया जा रहा है, जिसमें जो मेन जहां पर बाबूगंज की ब्रांच थी प्रतापगढ़ में, वो ब्रांच जिसके मकान में चल रही थी लेट साजन शुक्ला, वो और उनका एक साथी जाकिर अली उर्फ गुड्डू, ये दोनों लोग 2008 में एक गोमती नगर से टवेरा गाड़ी की चोरी में जेल गए थे और उसी पर उन लोगों के ऊपर गैंगचार्ज भी अनुमोदित हुआ था। उसी के चलते इन लोगों की दोस्ती आ रही थी और इसी दोस्ती के चलते पिछले 1 साल से ये लोग इस फिराक में थे कि यहाँ इस बाबूगंज वाली ब्रांच में से कोई एक बड़ा काम किया जा सकता है। पिछले कुछ दिनों में ये इन लोगों ने अपनी पूरी टीम गठित की, जिसमें गुड्डू का 2 रिलेटिव्स हैं, साजिद और अनीस, और साजिद के एक जानने वाले हैं नफीस, जिसने अपने 3 साथियों को इस घटना को अंजाम देने के लिए अवेलेबल कराया, जिसमें एक आदमी की पहचान नहीं हो पाई है। बाकी 2 लोग हैं इसमें, सहवास और नदीम। तो इन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया, जिसकी पूरी रैकी और मुखबिरी जो है वो स्वर्गीय साजन शुक्ला ने करवाई थी और उन्होंने बैंक में रहकर इसकी मुखबिरी की थी और लोकेशन बताई थी। उसके बाद गुड्डू ने इसकी लोकेशन जो है फर्दर ट्रैक करवाई थी और साजिद और अनीस ने रेड अपाचे पर इसकी रैकी की थी, घटना से पहले भी और घटना वाले दिन भी। और वाइट अपाचे पर 3 लोग थे, जिसमें सहवाज और नदीम, ये 2 लोग उसमें शामिल थे और एक अननोन आदमी है वो था जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया था। इसमें अभी तक 3 लोगों को अरेस्ट किया जा चुका है, जिसमें गुड्डू जाकिर अली और साजिद और अनीस, इन 3 लोगों को अरेस्ट किया गया है। और अनीस और साजिद जिस रेड अपाचे से चल रहे थे, जो रेड अपाचे अनीस की है, उस अपाचे को भी हम लोगों ने सीज किया है और कुल 3.5 लाख रुपए इन लोगों से पैसा रिकवर हुआ है।